बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, नमस्कार। आज की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर जानेंगे आ रही है ताज़ा बड़ी खबरें। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, घबराई बीजेपी। दूसरी तरफ एलजी ने पलटा मेयर का फैसला, आज ही होगा एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव। जी हाँ दोस्तों, नई मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है, जारी हो गए आदेश। आप सभी को दोस्तों बताते चले, इसी के साथ आ रही है ताज़ा अपडेट हरियाणा को लेकर। बीजेपी कांग्रेस को मिल सकती हैं इतनी इतनी सीटें, जानिए पूरी खबर आगे क्या कुछ अपडेट आ रही है सीटों को लेकर। सर्वे में ताज़ा आंकड़े आए हैं। तो दूसरी तरफ दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले, अगर आप लोग चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि बड़ी खबरें आप तक पहले पहुँचें। और दूसरी तरफ आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कांग्रेस कमाल करेगी, यहाँ पर चुनाव जीतेगी, तो लाइक कीजिएगा वीडियो दोस्तों और समर्थन दर्ज करवाइएगा। पहली अपडेट आ रही है सबसे पहले और बड़ी खबर दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, जो ताजा अपडेट निकल के आ रही है, अभिनेता सैफ अली खान ने राहुल गांधी की मेहनत को सराहा, बोले यहां पे राहुल गांधी बहुत ही बहादुर है। आपको बताते चलें, सैफ अली खान ने कांग्रेस नेता एलओपी राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। एक टीवी शो के दौरान सैफ अली खान ने कहा कि राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं और इसका परिणाम भी उन्हें 2024 के आम चुनाव में मिला। दोस्तों आपको बताते चलें, यहाँ पे पत्रकार ने पूछा, आप किस पॉलिटिशियन को पसंद करते हैं? सैफ अली खान ने कहा कि मैं एक महान ईमानदार पॉलिटिशियन को पसंद करता हूं। पत्रकार ने कहा कि आपको नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल में कौन महान लगता है? इस पूरे मामले पर सैफ अली खान ने टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी का नाम लिया, कहा कि राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत को सराहा है। जी हाँ दोस्तों, अडानी के एजेंट के तहत काम कर रहे हैं क्या पीएम मोदी? कांग्रेस ने साधा निशाना। आपको बताते चले इस पूरे मामले पर, यहाँ पर दोस्तों स्क्रॉल की नई रिपोर्ट आई है, जिसमें यहाँ पे काला चिट्ठा खुल गया है, साबित हो गया है कि पीएम मोदी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। दोस्तों आपको बताते चले, जनता को महंगी बिजली मिल रही है तो मिलती रहे, जनता मर रही है तो मरती रहे, लेकिन गौतम अडानी को मुनाफा होना चाहिए, इसीलिए ऐसे टेंडर जारी करे जा रहे हैं जिसका ठेका सिर्फ अडानी को ही मिले। और तो और, स्क्रॉल की नई रिपोर्ट में सामने आया कि आज तक 10 साल में मोदी ने जिस भी देश का दौरा किया, उस देश में कुछ दिनों बाद कोई ना कोई ठेका गौतम अडानी को जरूर मिला है। केन्या, बांग्लादेश और श्रीलंका में अब सरकारें बदल गई हैं और अडानी को मिले ठेके रद्द कर रही हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, इस पूरे मामले पे अडानी और पीएम मोदी को घेरते हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। स्क्रॉल की नई रिपोर्ट के बाद हड़कंप मचा है, बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ के इस्तीफे की खबर है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, इस समय बीजेपी में हड़कंप मचा, पंजाब में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के इस्तीफे की खबरें दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये खबरें दोस्तों इतनी ज्यादा वायरल हुई कि बीजेपी की फौजियत होने लगी। राज्य में 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले भाजपा को बड़ा झटका लगने की बात कही जा रही। दोस्तों इसी बीच भाजपा की ओर से इस बात का खंडन किया गया और ऐसी खबरों को गलत बताया गया। पंजाब भाजपा के महासचिव अनिल सरीन ने कहा कि उनके इस्तीफा देने की खबरें आधारहीन और गलत है। उन्होंने कहा, सुनील जाखड़ भाजपा पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अपना काम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बताते चले, पंजाब बीजेपी में खलबली मची तब से कि जे सुनील जाखड़ यहाँ पे बीजेपी छोड़ देंगे, क्योंकि हाल ही में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी को बड़ा झटका लगने की तैयारी दोस्तों हो गई है। अपडेट आ रही दिल्ली से, एलजी ने पलटा मेयर का फैसला, आज ही होगा एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव। कमिश्नर ने जारी किया आदेश, आम आदमी पार्टी आज होने वाले चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। मनीष सिसोदिया ने की घोषणा, मैंने 5 अक्टूबर के लिए सदन स्थगित किया, ऐसे में आज कुछ नहीं है, मनीष सिसोदिया बोले। दोस्तों आपको बताते चाहे, एमसीडी कमिश्नर ने एडिशनल कमिश्नर को पीठासीन अधिकारी बनाकर चुनाव कराने के लिए कह दिया, जो असंवैधानिक है और अलोकतांत्रिक भी, मनीष सिसोदिया बोले। सिसोदिया का कहना है, पीठासीन अधिकारी केवल चुना हुआ व्यक्ति हो सकता है, कोई अधिकारी नहीं। आपको बताते चाहे दोस्तों, सैली ओबराय मेयर एमसीडी बोली, मैंने एमसीडी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है और आज होने वाले चुनाव को असंवैधानिक और अवैध कहा है। दोस्तों ये देख सकते हैं, एक बार फिर से एलजी और एमसीडी में ठंडी दिख रही है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव में हिस्सा नहीं लेने का बड़ा ऐलान भी किया है।
हरियाणा चुनाव को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ रही है दोस्तों। हरियाणा में कौन सी पार्टी जीत सकती है चुनाव, ये बात बताई गई इस सर्वे में। आपको बता दें, चाहे हरियाणा को लेकर एक ताज़ा सर्वे कराया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस को 90 में से 55 से 62 सीटें मिलती हुई बताई जा रही हैं इस सर्वे के अनुसार। बात करें बीजेपी की तो दोस्तों 18 से 25 सीटें बीजेपी के खाते में स्पष्ट है। इतनी सीटों से सरकार बनने से रही और बीजेपी की विदाई सत्ता से तय मानी जा रही है। यह बीजेपी पार्टी अच्छे से जान चुकी है जिस प्रकार से बीजेपी उम्मीदवारों का हरियाणा में जगह जगह विरोध हो रहा, घेराव हो रहा, खास तौर से किसानों ने मोर्चा खोल रखा। इनके द्वारा किसान आंदोलन को लेकर अब भी जो विवादित बयान दिए जा रहे हैं उन पर किसान काफ़ी उग्र हो गए और यहाँ पर इनका घेराव कर रहे हैं दोस्तों। आपको बताएं, इसी क्रम में अन्य दलों को 6 से 9 सीटें मिल सकती हैं दोस्तों। स्पष्ट है अगर कांग्रेस 55 से 62 सीटें पाती है और चुनाव में दोस्तों वह पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। यहाँ पर दोस्तों ये ताज़ा अपडेट निकल के आई है, ताज़ा बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। सीएम केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में गर्जे बोले, अगर बीजेपी के 2 नेताओं को जेल में डाल दो तो पूरी भाजपा ही समाप्त हो जाएगी। विधानसभा में केजरीवाल का बड़ा बयान आया है दोस्तों। विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आयोजित किया गया। दिल्ली विधानसभा में सीएम रहे केजरीवाल भी मौजूद है। पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी के सिर्फ 2 नेताओं को जेल में डाल दो और पूरी भाजपा पार्टी का सफाया हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल लगातार हमलावर दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट को लेकर भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर यहाँ पर दोस्तों कुछ सवाल भी पूछे हैं दोस्तों। आपको बताते चलें, इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी को घेरने में लगे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के हर यहाँ पे वार का जवाब देती हुई दिख रही है। अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाल रखा है दोस्तों। दूसरी तरफ आपको बताते चलें, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को लेकर जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार संजय राउत को बीते दिन दोस्तों सेशन कोर्ट ने यहां पर 15 दिन की सज़ा सुनाई और 25,000 का जुर्माना लगाया। मानहानि के मामले में बीजेपी सांसद रहे किरीट सोमैया की पत्नी मेघा सोमैया के द्वारा यह मामला दायर किया गया था। वहीं दोस्तों इस पर फैसला आया जहाँ पर अब संजय राउत को दोस्तों बेल मिल गई है और यहाँ पर दोस्तों अब अपील की जाएगी। यहाँ पर उसके लिए 30 दिन का समय मिला है दोस्तों। इस पूरे मामले पे संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और सीधे तौर पर पीएम मोदी को घेरा। बोले कि जब प्रधानमंत्री सीजीआई के घर जाकर लड्डू खाते हैं तो हम जैसे लोगों को न्याय कहाँ मिलेगा। संजय राउत की एक कड़ी प्रतिक्रिया निकल के आई है दोस्तों उस संदर्भ में। कहा, जब यहाँ पे गणेश पूजा के दौरान पीएम मोदी सीजीआई के आवास पे पहुँचे थे, पूजा की थी, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, सीजीआई को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। उसी मामले में तंज कसा है यहाँ पे राज्यसभा सांसद संजय राउत ने। ये थी दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।